क्लासिफिकेशन के बारे में, जो था फिजिकल क्लासिफिकेशन और केमिकल क्लासिफिकेशन। अब उससे आगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक होता है जिसको हम कहते हैं कंपाउंड कंपाउंड। ये टॉपिक साधारण टॉपिक नहीं है, इसमें कुछ कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि इसमें दो से अधिक सब्सटेंस होता है, दो से अधिक एलिमेंट होगा जो कंबाइन करेगा, वो भी फिक्स्ड रेशियो बाय वेट करेगा, माने वेट के आधार पर फिक्स रेशियो में वह कंबाइन करेगा, और उसका जो प्रॉपर्टी होगा कंपाउंड बनने के बाद, वह प्रॉपर्टी उसके जिससे बनता है उससे उसका प्रॉपर्टी डिफरेंट है। जैसे हम साधारण सा एग्जांपल लेते हैं H2O का, इसमें दो पार्ट है H2 और O, इसका 2 ग्राम अगर होगा इसका 16 ग्राम हो जाएगा। अब अगर रेशियो निकालेंगे इसका निकलेगा 1:1। अब जल को क्या है कि आप कहीं से भी प्राप्त कीजिए, चाहे वह मैंने पोखरी का पानी हो या वह नदी का पानी हो, खाली समुद्र के पानी का सूत्र चेंज होता है, या ट्यूबवेल का पानी हो, नल का पानी हो, कुआं का पानी हो, या आपके शरीर से जो पानी निकलता है उसकी बात करें, सब में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के वेट का रेशियो जो होता है 1:8 ही है। अगर इसमें हम थोड़ा भी परिवर्तन कर देंगे तो उससे कंपाउंड का फॉर्मेशन नहीं है। दूसरी बात कि अब देखिए कि हाइड्रोजन में क्या है कि ये ज्वलनशील है, ऑक्सीजन में क्या है कि ये जलने में हेल्प करता है। एक ज्वलनशील हो और दूसरा उसमें हेल्प करे और दोनों के एक साथ मिला देंगे तो आपका इमेजिनेशन होगा कि और ज़्यादा जलने लगेगा, लेकिन नहीं, आप जानते हैं कि वाटर का जो प्रॉपर्टी है वो जलती हुई वस्तु को बुझा देता है, उसको जलने से रोक देता है, तो प्रॉपर्टी बदल गया। अगर प्रॉपर्टी नहीं बदलेगा तो कंपाउंड नहीं कर सकता। तीसरा क्राइटेरिया इसका ये बनता है कि सेपरेशन, कि जैसे हम चाहेंगे कि वाटर में से H2 को अलग कर लें और ऑक्सीजन को अलग कर लें, ये संभव नहीं, ये अलग होता ही नहीं। आप कहिएगा कि जल में जो मछलियां हैं या बहुत सारे जीव हैं वो सांस लेते हैं, तो कौन सा ऑक्सीजन लेते हैं, ये ऑक्सीजन लेते हैं या वायुमंडल का ऑक्सीजन लेते हैं? तो ऑफलाइन क्लास रहता तो उसमें डिटेल से जानकारी देते, लेकिन आप याद रखिए कि इस ऑक्सीजन को निकालना संभव नहीं है। हाँ, जो जल के अंदर के जीव हैं, जो जल के अंदर रहते हैं, उनको सांस लेने के लिए वायुमंडल का जो ऑक्सीजन होता है वही आवश्यक होता है। आप जानते हैं कि ऑक्सीजन जल में घुल जाता है, जल में घुलता है, इसीलिए उसके अंदर जो जीव जंतु हैं वो उस ऑक्सीजन को सांस के द्वारा लेते हैं, उसके पास विशेष व्यवस्था होती है, हम लोगों के पास नहीं है। हम लोगों को अगर पानी में डुबा दिया जाए तो हम लोगों के पास वैसा व्यवस्था नहीं है कि हम लोग पानी के अंदर जो घुला हुआ ऑक्सीजन है तो उसको खींच सकते हैं। तो इसमें तीन क्राइटेरिया, तीन कैटेगरी हुआ, तीन टॉपिक हुआ। पहला, इसका जो मिलेगा ये जो बनेगा तो वो फिक्स्ड रेशियो बाय वेट से बनेगा, वेट के फिक्स रेशियो से बनेगा, वेट में अगर हम बदलाव कर देंगे तो फॉर्मेशन नहीं। दूसरा, कि जो प्रॉपर्टी होगा कंपाउंड का, वह प्रॉपर्टी उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट हैं या कॉन्स्टिट्यूएंट सब्सटेंस हैं उस सब्सटेंस से डिपेंड होगा। और तीसरा, इसको हम कभी भी चाहें तो फिजिकल मेथड हो या केमिकल मेथड हो उसके जरिए इसको हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं, उसी को कंपाउंड। कंपाउंड में पहला इम्पोर्टेंट चीज़ हो गया कि इसका वेट फिक्स होगा, इसमें वेट में चेंज नहीं, जैसे कोई यहाँ 2 कर देगा यहाँ 8 कर रखेगा तो उससे वाटर का फॉर्मेशन नहीं। दूसरी बात, इसका जो प्रॉपर्टी होगा वह प्रॉपर्टी इसके अपने प्रॉपर्टी से डिफरेंट है, और जितना उसका अपना प्रॉपर्टी होगा उससे वह प्रॉपर्टी डिफरेंट हो जाएगा, और उसमें हम सेपरेशन करना चाहेंगे तो किसी भी मेथड से हम उसको सेपरेट नहीं कर सकते।
अब इसका डिफिनेशन देखिए, व्हेन टू और मोर सब्सटेंस या एलिमेंट कंबाइन कंबाइन इन फिक्स्ड रेशियो बाय वेट हुज प्रॉपर्टी इज डिफरेंट फ्रॉम द कंस्टिट्यूएंट एंड कैन नॉट बी सेपरेटेड into its constituent by any physical and chemical means. ठीक है, जब दो सब्सटेंस मिलता है लेकिन वह मिलेगा तो वेट के रेशियो के हिसाब से मिलेगा और वो भी रेशियो फिक्स होगा, उसको हम चाहेंगे सेपरेट करना तो सेपरेट नहीं होगा, उसका जो प्रॉपर्टी होगा वह अपने कंस्टिट्यूएंट से डिफरेंट होगा तो इसको हम कहते हैं कंपाउंड। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल हो गया H2O, आपको दसवीं क्लास में क्वेश्चन में पूछा जाता है कि हाइड्रोजन ज्वलनशील गैस है, ऑक्सीजन सहायता करने वाला है, लेकिन जल इसमें प्रॉपर्टी डिफरेंट क्यों है। इसका एक सिंपल जवाब है कि जल एक कंपाउंड है और कंपाउंड का यह विशेषता है कि उसका जो प्रॉपर्टी होगा वह प्रॉपर्टी उसके कंस्टिट्यूएंट से डिफरेंट होता है, इसलिए इसको हम कहते हैं कंपाउंड। तो कंपाउंड में आपको तीन कैरेक्टर ध्यान देना है, पहला कि उसका रेशियो वेट का फिक्स होना चाहिए, दूसरा उसका जो प्रॉपर्टी है वो डिफरेंट होना चाहिए कंस्टिट्यूएंट से, और उसको हम चाहेंगे कि अगर हम कंस्टिट्यूएंट में सेपरेट कर लें तो सेपरेट नहीं कर सकते हैं। तो ये हो गया आपको कंपाउंड, बड़ा डिफिनेशन नहीं है, इसको शॉर्ट में समझिए या ये समझिए कि इसका रेशियो वेट का फिक्स होता है, इसका प्रॉपर्टी इसके कंस्टिट्यूएंट से डिफरेंट होता है, और इसको हम चाहेंगे किसी फिजिकल या केमिकल मेथड से सेपरेट करना तो सेपरेट नहीं कर सकते हैं, इसी को कहते हैं कंपाउंड। और भी एग्जाम्पल है, अब देखिए इसका क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ कंपाउंड, कंपाउंड को क्लासिफिकेशन किया गया है उसके सोर्स के आधार पर। बहुत सारा ऐसा कंपाउंड है जो हमको लिविंग से प्राप्त होता है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, जैसे कि ग्लूकोज, जैसे कि फ्रुक्टोज, ये सभी हमको प्राप्त होता है लिविंग से, लेकिन बहुत सारा ऐसा कंपाउंड है जो हमको नॉन लिविंग से प्राप्त होता है, तो जो नॉन लिविंग से प्राप्त होता है उसको हम कहते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ये दो प्रकार का होगा, पहला होगा
ऑर्गेनिक कंपाउंड। और दूसरा होगा इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड और हो गया इनऑर्गेनिक कंपाउंड। इसको हिंदी में कहते हैं कार्बनिक यौगिक, कार्बनिक यौगिक। इसको कहते हैं अकार्बनिक यौगिक। ठीक है, डिफिनेशन एकदम आसान है कि जो कंपाउंड लिविंग से प्राप्त होता है उसको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं, जो कंपाउंड नॉन लिविंग से प्राप्त होता है उसको इनऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। पहला है ऑर्गेनिक कंपाउंड, the compound which obtained from leavings is called organic compound. ऐसा कंपाउंड जो सजीव से प्राप्त हो, लिविंग से प्राप्त हो, उसको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। जैसे हो गया आपको ग्लूकोज हो गया, जैसे हो गया फ्रुक्टोज हो गया, जैसे हो गया आपको लैक्टोज हो गया, जैसे सुक्रोज हो गया, सुक्रोज हो गया, जैसे आपको हो गया माल्टोज हो गया ईटीसी। सुक्रोज हो गया, ग्लूकोज हो गया, फ्रुक्टोज हो गया, लैक्टोज हो गया और ये माल्टोज हो गया। तो ये सब जो कंपाउंड है वो हमको लिविंग से प्राप्त होता है, इसलिए इसको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। इनऑर्गेनिक कंपाउंड में कुछ नहीं करना है, वैसा कंपाउंड जो हमको नॉन लिविंग से प्राप्त होता है उसको हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। इसमें सिर्फ इन जोड़ दीजिए, द कंपाउंड व्हिच ऑब्टेन फ्रॉम नॉन लिविंग इज कॉल्ड इनऑर्गेनिक कंपाउंड। और इसका एग्जांपल हो जाएगा आपको इसका एग्जाम्पल हो गया H2SO4, जैसे हो गया आपको H2O, जैसे हो गया आपको NaCl ETC। ये हमारा कंपाउंड है, कंपाउंड का डिफिनेशन है, उसका क्लासिफिकेशन है। अभी एक तरह से यह इंट्रोडक्शन में चल रहा है, अभी मेन क्लास नहीं शुरू हुआ है, लेकिन ये चैप्टर ही है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, इसलिए आपको बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में जानना पड़ेगा। तो जो लिविंग से प्राप्त होता है उसको ऑर्गेनिक, और जो नॉन लिविंग से प्राप्त होता है उसको इनऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे मिक्सचर के बारे में, तब तक इसको पढ़िए, समझिए, ध्यान से देखिए, किताब खरीदिए और किताब का अध्ययन कीजिए, क्योंकि आपके अध्ययन से ही पढ़ाई होगा। हम कितना भी कुछ कर देंगे उससे कुछ नहीं होने वाला है, इसलिए किताब खरीदिए, किताब मार्केट में उपलब्ध है और आपके पास अभी समय भी है, घर बैठे पढ़ रहे हैं, तो उसका मजा लीजिए। और अगले वीडियो में देखिएगा, हम आपको चर्चा करेंगे मिक्सचर के बारे में। थैंक यू।